أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had started the 7 verses. There was some background I gave you. What are the number of those 7 verses? 2, 40, 6 to 253 पहले वाला था वो भी हो सकता है क्योंकि ये पारा खत्म हो रहा है 252. So this is all about, what are they about? Yeah, I think it's bare mein uska unwan. Anyone? Is my voice clear? Are you able to hear me? Yes, sir. Assalamu alaikum. Sir, jihad ke hi usme lenge. Khatam jihad ke bare mein, jihad ke silsile. Ek ayat, teen ayatein guzri thi, wo bhi jihad ki ek misal thi. Ye bhi tarbiyat ke liye ye 7 ayatein hain jo jihad ke bare mein. It's all about the holy war. Now we had, I think, did something up to this point. Isme main bataya tha ki I gave you, ask you to make a chart that will show us the history of Bani Israel and history of Islam and what is the connection between this. उसमें कुछ नाम थे जो हम डिस्कस किए थे, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस है, कुरान नबी के नाम पे खामोश है, कुरान नबी का नाम नहीं बताता, लेकिन इट्स ए फेमस स्टोरी एंड इट इज देयर इन द बाइबल. वो नबी का नाम हमको वहाँ पर मिलता है. व्हाट वाज द नेम ऑफ नबी इन हूज पीरियड दिस दिस थिंग हैपेंड, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू, इसे कोई याद है नाम नबी का? जी, शमऊन या शमूअल या समूल, समूल. और ये मूसा अलैहिस्सलाम बाइबल से लिए गए. बाइबल के कई वर्जन हैं, हर वर्जन में एक डिफरेंट नेम है. तो शमून या शमूल या समूल सीन से, सो नबी के नाम से खामोश है. फिर उसके बाद मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम से 1100 साल पहले बोले, वाकया है. और द स्टोरी बिगिंस लाइक दिस, अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल. किताब किससे है? तरा सर कंटिन्यू. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यस. और तरह का मैं बताया था कि इट शुड बी इन द नॉलेज
ऑफ अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नहीं भी है तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबहानहु तआला से वाकिफ करा रहे हैं, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू। और उसका मुताबिकत क्या है कि सहाबा की तरबियत के कहीं उनमें से कोई जो सच्चे और ईमानदार थे उस वक्त कोई भी जहाज से पीछे नहीं हटा, लेकिन कई ऐसे मौके आए कि जो मुनाफिक थे अपने आप को मोमिन जाहिर कर रहे थे वो जहाज से पीछे हट गए। अहद में ऐसा वाक़या पेश आया और फिर ग़ज़वा खंदक में भी ऐसा वाक़या पेश आया। सो दिस वॉज द बिगिनिंग। यस, कैन यू ट्रांसलेट अप टू दिस पॉइंट? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं उस बारे में या उस तरफ इलल मलाई मिन बनी इसराइल, कबीले के सरदार बनी इसराइल में से, मिन बादी मूसा, मूसा अलैहि सलाम के बाद। इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू पॉन्डर अपॉन, यहाँ पर बनी इसराइल ही नहीं कहा गया बल्कि इलल मलाई बनी इसराइल। Why this? Every word of a Quran needs pondering. Uska par tadabbur, tafakkur, har ek ek lafz ki ahmiyat Quran mein hoti hai. Aur woh itna jame kalam hai Allah subhanahu wa ta'ala ka. Ya ab aap isse pehle pure surah mein kai jagah Bani Israel ka zikr, to wahan par kai malai ka zikr nahi tha balki ya Bani Israel direct khitab tha. या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, खिताब बनी इसराइल से था। सो दिस इज़ ए पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड हियर अबाउट द वो जो उनके चीफ थे, सरदार थे, उनका जिक्र है यहाँ पर। और जब सरदारा ने कबीला किसी ट्राइब के चीफ अगर कोई बात करते हैं तो फिर वो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और वो काम, और उनकी वजह से जितने उस कबीले के लोग हैं सरदार की वजह से वो काम में शरीक होते हैं। सो इट वॉज ए रिक्वेस्ट मेड बाई द चीफ्स ऑफ द बनी इसराइल। सो एवरी वर्ड हैज़ ए सिग्निफिकेंस एंड रिक्वायर अवर अटेंशन। इट्स नॉट ए सिंपल स्टोरी। कुरान में पूरी जगह कहीं भी एक एक लफ्ज ऐसे है जैसे किसी माले में मोतियाँ जड़ी हुई हों और किसी को हम इधर से उधर नहीं कर सकते, इसलिए कि यह अल्लाह का कलाम है। सो हियर दिस वर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। चूँकि सरदार ये ख्वाहिश करे थे, अगर वो सरदार के मुताबिक वो काम होगा, उनको इजाज़त मिल जाएगी, तो उस ट्राइब के आम आदमी जितने थे वो सब उसमें शरीक होंगे। सो दे डिसाइड फॉर एन ऑर्डर फॉर ए जनरल टू बी अपॉइंटेड फॉर देम। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सही तर्जुमा किया, फिर एक बार कर दो। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं सरदार कबीले के सरदारों में बनी इसराइल में से? यस, ये आमतौर पे उनके बड़े उस वक्त तक कितने कबीले थे, अब तो खैर सैकड़ों हो गए होंगे, लेकिन आमतौर पर कुरान से 12 बोले थे ना आप, 12। भाई क्या आप खुद भी तो 12 चश्मे, 12 12 सब पढ़ के आए कुरान में, तो 12 और वो 12 की सिग्निफिकेंस क्या है? तो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और वो सब जो है एक एक कबीला बन गया था, अब तो पता नहीं कितने हैं उस दाहो आलम से। देन द टाइम फ्रेज इज देयर दैट वाज जी इज जो है टाइम फ्रेज है, खालू वो सब कहे, नहीं ये फेल और फाइल जमा, नहीं टाइम फ्रेज यहाँ पर भी है, ये टाइम फ्रेज उसके बाद ये मिम्बादी मूसा जी मूसा अलैहि सलाम स्टोरी बिफोर मूसा अलैहि सलाम, बल्कि मूसा अलैहि सलाम से काफ़ी पहले भी बनी इसराइल के ऊपर
उनको सजाएं दी गई थी अल्लाह की तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम का तो पूरी किताब में फ़िरौन का, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उस वक्त बनी इसराइल किस तरह फ़िरौन के ज़माने में किस तरह तकलीफ़ों में थे, उसका तो जिक्र है। लेकिन दिस इज़ द स्टोरी विच बिलोंग्स टू द टाइम विच वॉज बिफोर मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बात का जिक्र है। उसके बाद भी उनके ऊपर मुसीबतें आई उनकी महज नाफरमानियों की वजह से। अब ये खालू कौन है? वो कबीले के सरदार है, सब सरदार। अब ये सरदारों की अहमियत में बताया कि उनके कहने की वजह से एक जम गफीर, एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत बड़ा मजमा जो लड़ सकता है, और कोई मामूली आदमी से लड़ाई नहीं थी, वो जालूत डायनोस्टी का बादशाह था, बहुत पावरफुल है ना, उससे लड़ने के लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, ये बहुत ताकत का काम था। तो उन्होंने अपने नबी से, लिन नबी, अपने नबी से ख्वाहिश की। What was that desire? अब असलना मलिकन, मुखर्रर कर हमारे लिए बादशाह। भी देखिए यहाँ पर किसी नबी के होते हुए कोई बादशाह नहीं हो सकता। नबी दुनियावी मामलात में भी शरीयत के लिहाज से फैसला करते हैं, और अंबिया ही दीन के मामले में भी पूरी शरीयतें। ना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई बादशाह हुआ, ना उसके बाद जब भी कोई नबी रहे, वही पूरे दुनियावी और दीनी मामला। ये अल्लाह सुबहानहु तआला की सुन्नत है। लेकिन यहाँ पर मलिकन को हम ख़ास तौर से कमांडर के मानों में लेंगे, ए वॉर कमांडर जी। और उसका रीज़न भी मैं बताया था कि यहाँ पर उनकी ख्वाहिश महज इसलिए थी कि ये नबी बहुत ही तवील हो पाए थे, एंड ही वॉज वेरी ओल्ड। यस, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया था। फिर उसके बाद यहाँ से हुआ था कि ये कमांडर, दिस इज नॉट ए बादशाह दुनियावी किसी मामले में। आमतौर पर बादशाह दुनियावी मामला, बल्कि बस दीनी मामला में भी वो करते हैं, जो खुलफा राशिदीन बादशाह भी थे और फिर दीनी दुनियावी सब मामला में फैसला करते थे। लेकिन नबी के मौजूद, जब तक अंबिया का सिलसिला रहा, नबी ही बादशाह भी होते थे दुनियावी और दीनी तमाम। तो यहाँ पर मलिकन किसी भी मामले में मुदाखलत करने वाला आदमी नहीं, बल्कि एक कमांडर के लिए, हमारे में से जो एक फौज को तरतीब दे, उनके उनको गाइड करे, तो उसकी ख्वाहिश उन्होंने की। और ये ख्वाहिश क्यों की? सो डैट नुखातिल फी सबीलिल्लाही, हम जंग करें अल्लाह की राह में। बस ये अल्लाह की राह में, ये जहाद है, इस जहाद के लिए। और वो जहाद किससे था? मैं बताया कि वो डायनोस्टी थी फलस्तीनी थे, जो उनके ऊपर हमले करके उनको, और गोलियत, वो डायनोस्टी का नाम क्या था? गोलियत, गोलियत, या उसको अरबी में उसका नाम इसी में आएगा, इन्हीं आयतों में, जालूत, जालूत या गोलियत, उसमें बाइबल में उसका नाम गोलियत है। जालूत बड़ा जाबिर बादशाह था, और ये बनी इसराइल को गुलाम बना के वहाँ से लेके गया था। चलिए एक टुकड़ा यहाँ से तुम ही करो, उसके बाद देन वी विल टेक सम अदर वन, यहाँ तक ही करे थे। अच्छा, खाला वो कहे, हम यहाँ तक ही स्लैश लगाए थे, आगे नहीं बढ़े थे। अभी स्लैश लगाना है, डिफिकल्ट वर्ड है, उसके बाद तर्जुमा करेंगे। खाला हल असई तुम
तक एक लगा देंगे। ठीक है। इन कुतिबा अलैकुमुल खितालु तक एक, और फिर अगला अल्लाह तो खातिलु तक एक, फिर खालु वमालना अल्लाह नुखातिला फी सबीलिल्लाही तक। फिर वखद अखरजना मिन दियारिना व अबनाइना तक। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल खितालु तवल्लौ तक एक, इल्ला खलीलन भी ले ले सकते, इल्ला खलीलम मिनहुम। फिर वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वेरी गुड। चलिए यहाँ तक आप करिए, इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं बताइए, इज देयर एनी डिफिकल्ट वर्ड? ऐसे तो कोई डिफिकल्ट नहीं दिख रहा। ये असा क्या है? बेशुमार जगह है। लौट जान, लौटना, पीछे हट जाना। नहीं नहीं, असा के मायने पीछे हटने के नहीं है, कभी भी नहीं है उस मायने में कुरान में। अब यहाँ तो वही दिख रहा ना। नहीं ताकि नहीं, ऐसा पीछे हटने के मायने में नहीं आ रहा यहाँ। अच्छा, हल अर्से को, हल क्वेश्चन सवाल यह है, ये सवाल यह है, हल लेकिन कोई बता सकते हैं ऐसा क्या मैंने क्या है इसमें से? Perhaps, शायद है ना, it may be, ऐसा के मैंने perhaps या शायद और it may be, ये इसके मैंने हैं। ने ने, अब ये काला कौन है? ये इसका मन कंटिन्यू आंसर। नबी है, वो नबी जो थे, वो नबी ने उनकी इस फरमाइश पर कि हमारे लिए एक जनरल है ना, फौज का जनरल मुकर्रर कर दीजिए, तो उसके जवाब में ये नबी फरमा रहे हैं खाला हल असैतुम। अब इसमें आप अपनी पूरी काबिलियत बताइए कि इसको हम कैसे समझेंगे, इतने टुकड़े तक कैसे समझेंगे, इसके दो टुकड़े अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, दूसरा टुकड़ा क्या कहलाएगा? ये पहला तो वो जुमले फेलिया हो जाएगा, खाला से शुरू हो रहा है। हम जुमलों में नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसके मानों के लिहाज से। अभी फिर मैं दोबारा ये पूरी आयतें ग्रामर के लिहाज से भी हम करेंगे। जस्ट माई फर्स्ट एम इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट, इसीलिए मैं पहले बोला था कि साथ में अभी तो हम सिर्फ स्टोरी की हद तक करेंगे, उसके बाद एवरीथिंग वी विल डू अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज द ग्रामेटिकल रूल। अब सिर्फ इसमें कितने टुकड़े करेंगे और एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा? इसमें जो है हल सही तुम, ये फिर वही सवाल है, और असही तुम में फिर जो है कोई और इसमें इनके मदद कर सकते हैं? सर मैं कर सकती हूँ, बोलो जल्दी सर। खाला के बाद जो है पूरा हल से लेके तो खातिल अल्लाह तो खातिलु तक तो पूरा हो जाएगा पहले मखौला, और फिर इन से लेके शर्तिया जुमला शुरू होगा, और फिर अल्लाह से जो है वो जवाब शर्त है। जवाब शर्त क्या है? अल्लाह तो खातिलु, नहीं पूरा बोलिए, जवाब शर्त क्या है? अलैकुमुल खितालु, करीब है, बहुत अच्छा है, You are one of my good students, लेकिन जवाब शर्त पूरा नहीं बोल, इतना नहीं है। ला तो खातिलु, ये नहीं तुम नहीं कताल करोगे सर, यही तो जवाब है कि जब तुम पे फर्ज कर दिया जाएगा। ला तो खातिलु कहाँ है? अल्लाह तो खातिलु, आपने ये बिल्कुल सही कहा, इन कुतिबा अलैकुमुल खिताल
पितालु, ये एक शर्त है, ये शर्त है, अगर तुम पर किताल फर्ज कर दिया गया तो जवाब है शर्त, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों में मिला के पूरा। हाँ, ये दोनों को आप जब तक मिलाएंगे नहीं, हल असई तुम अल्लाह तुखातिलू, देयर इज अ चांस परहैप्स इट मे बी दैट यू विल नॉट फाइट। जी सर, मुमकिन है कि तुम ना किताल करो। वक्त वहाँ तक तो अच्छा गया, लेकिन बाद में यहाँ आके जाओ बेशक। ये पूरा टुकड़ा, यहाँ एक टुकड़ा है, बाकी का यहाँ एक टुकड़ा है, ये दोनों मिला के जवाब शर्त है। और ये शर्त उन नबी ने रखी है कि अगर अल्लाह सुबहानहु ताला फर्ज कर देते हैं तुम पर जिहाद या लड़ाई या किताल, देन ही एक्सप्रेस दिस डाउट। और नबी का डाउट नबी का नहीं होता, बल्कि अल्लाह की, अल्लाह सुबहानहु ताला की तरफ से इशारा होता है, अल्लाह सुबहानहु ताला की तरफ से जवाब होता है। और यही सब कुछ हुआ जो पूरी स्टोरी में खुलेगा कि तुम पे जहाद फर्ज होगा और तुम लड़ाई से इनकार कर दोगे या लड़ाई करने के काबिल नहीं रहोगे। That is the whole story will continue. Though this doubt of the Nabi was not the doubt of his only, but it was a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Unko bata diya gaya tha ke agar ho bhi jata hai to you may not fight. बात समझ में आ रही है आंसर? ये जो मैं पूछा था इसमें एक टुकड़ा नहीं दे सकता मैं, खाली हला सही तुम तक ही दो दो टुकड़े करने जा रहा था मैं उसमें दो। अब ये अंत तक ये शर्त नहीं दे, अब समझ में आ रहा है ना बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ? आ रहा, क्योंकि वो मैं आपका देखा ही नहीं था कर्जर, तो मैं खाली जो है ये हल तुम तक कोई भी होता, ये बहुत ही पुराने खाकड़ शागिर्दा हैं जो अभी शाजिया बोली है, ये मैं रख है। खैर, इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, ये खाला से ताल्लुक़ है। उसने कहा ये पूरा जो है मखौला भी है, बिल्कुल सही कहा कि ये उनका उन्होंने कहा नबी ने, जिनका नाम नहीं है यहाँ पर, और ये शर्त बताई अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से उनको इल्म दिया गया मुस्तकबिल में क्या होना है, वो अम्बिया को बता दिया जाता है, और बहुत सी चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया गया था। तो उसी तरह से वो नबी ने अल्लाह की तरफ से जब उनको बात का पता चला तो उन्होंने ये बात बता दी कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, इन कुतिबा अलैकुम अल-क़िताल, अगर तुम पे फ़र्ज हो जाए और एक जनरल तुम्हारे लिए अपॉइंट हो जाए और तुमको लड़ाई का हुक्म हो जाए, तो दिस इज़ द कंडीशन इफ़ अल्लाह सुबहानहु ताला प्रिस्क्राइब्ड ऑन यू फाइटिंग। फिर ये जवाब शर्त उनकी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है कि परहैप्स देयर इज़ ऑल पॉसिबिलिटी दैट मोस्ट ऑफ देम विल नॉट फाइट। Al asaytum Allah tuqatil, and perhaps it is possible that tuqatilu mein sari cheezein aa gayi, fail fail maful, hum isko baad mein bhi karenge, lekin story abhi grammar karenge to wo continuation nahi milega. So this point is clear, shart and jawab shart to everyone. Dr. Qazi, are you following? You are coming after 2-3 class, I think. जी अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया। बस ये एक टुकड़ा उनकी तरफ से जवाब हुई। अब उसके बाद इस डाउट के ऊपर उनका डाउट आएगा, हु वांट्स टू टेक अप फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ तक। किसी को पढ़ना है तो बारी आ चुकी है तो फिर अखबार हमेशा पढ़ते रहते हैं, और कोई है तो जल्दी से आगे बढ़े। इज देयर एनीवन? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, चलो जल्दी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कालू वमा लना
اللہ نقاتل فی سبیل اللہ. قالو سرداران جو اس کے تھے بنی اسرائیل کے وہ بولے وما لنا. اس قالو exactly right. یہ کون ہے؟ یہ فعل فاعل مفعول سب چیز ہے. دیز آر دی ملائم من بنی اسرائیل. ویری گڈ. ہاں ان کا جواب کیا ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ بس یہ قالو اور یہ بھی ان کا مقولہ ہی کہیں گے وما لنا. یہ بھی ان کا مقولہ. یہ مقولہ کسی اور کا ہے, یہ مقولہ کسی اور کا ہے. یہ بھی ان کا سردار جو جنہوں نے خواہش کی تھی کہ ایک جنرل ہمیں مقرر کر دیں ہماری جماعت میں, یہ ان کا مقولہ ہے. یہ مقولہ ہے, یہ نبی کا مقولہ ہے نا. اللہ سے تم سے اللہ تو قاتل, یہ نبی کا قول ہے. انہوں جی جی یہ تو نبی کا ہے. اور اس کے جواب میں جو ہے جواب ہے سرداران کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اگر ہمیں جاتا ہے تو اب یہ پوری بات انہوں نے کہی. ہاں اور ہمیں کیا ہوا؟ ومالنا اللہ کے نہ نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ یا اس کی تفسیر میں یہی کہیں گے کہ وہ سرداران بولے کہ ہمیں کیا ہوا, یا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ پہ جنگ نہ کریں یا لڑائی نہ کریں, لڑے نہ. نقاتل کیوں نہیں لڑیں؟ سیدھی سی بات ہے, اللہ نقاتل نقاتل ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں, نہ لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے. اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں, اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں. وہ دوسرے ٹکڑے میں پورا مقولہ یہاں تک ہے. وجہ کیا ہے؟ آگے پڑھوں؟ آگے پڑھوں؟ ہاں پڑھیے یہاں تک پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا. وقت اور یقیناً بلا شبہ اخرجنا ہم نکالے گئے. ٹائپ آف ورب از دس؟ یہ فعل فاعل اور مفعول ہے. نا جو ہے یہ مفعول ہے. ٹائپ آف ورب, ٹائپ یہ فعلیہ جملہ ہے. ٹائپ آف ورب اخرجنا یہ وہ ہے مجھول ہے. ہاں بس وہی پوچھ رہا ہوں میں, مگر آپ مجھول ہے. ہم نکالے گئے. پھر نا کا کیا مقام ہے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ کس کا؟ نا. نا مفعول بھی ہم نکالے گئے. نا جو ہے یہ نائب فاعل بھی ہے. نائب فاعل بھی نہیں, نائب فاعل ہی ہے. نائب فاعل ہے. ہم نکالے گئے کہاں سے؟ یارینا اپنے گھروں سے, اپنے گھر سے. وابنائنا اور اپنی اولاد کے ساتھ, یعنی کہ اولاد سے بھی اپنی اولاد کے ساتھ. نہیں ساتھ کیسا نکلیں گے اس کے معنی؟ ساتھ کیسا نکلیں گے؟ نہیں اپنی آل اولاد سے نکالے گئے, یعنی کہ بچے چھینے گئے ان سے. ابنائنا اپنی آل اولاد, ابنائنا آل اولاد کو کہتے ہیں ابنائنا. اس کا کنیکشن بتائیے. صحیح ہے آپ اچھا جا رہے ہیں, صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا گڑبڑ کر رہے ہیں. آل اولاد سے نکالے دے گئے کوئی معنی نہیں ہے. وہ اخرجنا و ابنائنا, یہ عطف جو ہے اخرجنا نا کے ساتھ وہ ابنائنا, یہ کیا ہوا؟ یہ دونوں یہ دیارنا جو ہے معطوف علیہ ہے, و عطف اور ابنائنا جو ہے معطوف علیہ نہیں ہے. یہ مضاف علیہ ہے نا, ابنائنا مضاف علیہ ہے. یہ وا عطف ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ نا بھی نکالے گئے اور ہماری اولاد بھی نکالی گئی. کہاں سے؟ گھروں سے. بس یہی بات, ہم اولاد کے ساتھ نکالے گئے نہیں بلکہ اخرجنا و ابنائنا من دیارنا. یہ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا, اب یہ پورے ملا کہہ رہے ہیں, جب نبی نے ڈاؤٹ کیا کہ تم شاید اگر فرض کر دیا جائے تو نہیں. اور واٹ از دی کرسپونڈنگ امپورٹنس ود دا ہسٹری آف اسلام؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی, اسلام کی دعوت دی,
तो उनके सहाबे कराम और जितने भी फॉलोअर्स थे उनको भी घरों से निकाला गया बेसर और सामानी की हालत में, खुद आपको भी, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैसे हिजरत करना पड़ा, और ऐसा अक्सर अंबिया के साथ हुआ है। तो वही बात उन्होंने कही कि वो उनको और उनकी औलाद को वहाँ से जो यरूशलम था, शाम था, जो उनका मुल्क था, वहाँ से जिला वतन करे, अपने साथ लेके गए, अपने को उनको ग़ुलाम बनाया। तो जब हमारे ऊपर इतना जुल्म हुआ है तो फिर उन्होंने पूछा मालना अल्लाह नुखातिलु नुखातिला फी सबीलिल्लाह। अब समझ आ गया, आपका बिल्कुल क्लियर है? यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर रहे थे, वो गड़बड़ सही हो गई आपकी? जी जी सर। हाँ, तो अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि उन्होंने जवाब दिया कि अपना पूरा यकीन दिलाया कि हम अल्लाह की राह में लड़ेंगे। जी। अब नेक्स्ट कौन है? व्हाट इज दिस? कम ऑन, कोई भी आगे बढ़ो जल्दी से। क्या हो गया साजिदा दानिश, क्यों खामोश बैठी हुई? आर यू एबल टू हियर मी साजिदा? दानिश नहीं है। वालेकुम सर। सर सॉरी, वो मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी सर। सर फलम्मा कुतिबा अलैकुमुल किताब, यहाँ से पढ़ूं? यहाँ से ही पढ़ना है, और कहाँ है? अब जब से नहीं है क्लास। जी सर, बिस्मिल्लाह। सर मैं सुन रही थी एक्चुअली, थोड़ा बिजी भी थी, बट एनी हाउ इंशाल्लाह मैं इसको पढ़ती हूँ। अरे वाह, ये मल्टीपर्पस क्लास हो गई ना। जी सर। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल किताल तवल्लौ। सर फिर ये उसका आगे आगे कि पस लम्मा जब कुतिबा फर्ज किया गया अलैहिम उन पर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्ट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? एक एक टुकड़ा अपनी जगह पूरी अहमियत रख रहा है। सर ये उसके फिर बताया जा रहा है ना कि पहले तो वो देवर सो रेडी फॉर जिहाद के हम क्यों नहीं लड़ेंगे, हम पे इतना जुल्म हुआ है, हम डेफिनेटली अगर आप हम पर मतलब कोई साजिदा मैं क्या पूछ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पार्ट जो आपने अभी पढ़ा? फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लीलम मिनहुम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? सर ये फिर उनके ऊपर जो एक चीज फर्ज कर दी गई उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है कि फिर उनका रिएक्शन क्या हुआ। Yes. जब उन पे उनकी डिमांड पूरी कर दी गई। That means this is the result. This is the result. ये जितनी बातें हो रही हैं कि नबी ने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ फरमाइश की, नबी ने एतराज किया, उन्होंने इकरार किया, ये सब हो गया। उसके बाद ये हमको अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, सारी चीज़ें आने वाली आयतों में क्लियर होगी कि जब उनके ऊपर जिहाद फ़र्ज हुआ और उनको लड़ने का हुक्म हुआ, उनके लिए एक मलिकन भी मुकर्रर हो गया, एक जनरल भी मुकर्रर हो गया। तो ये पूरा रिजल्ट है, और ये खुलेगा कब? जब आगे की आयतें पढ़ेंगे कि जब जिहाद उन पे फ़र्ज हो गया, तवल्लौ इल्ला खली, सब मुंह फेर लिए, लड़ने के काबिल नहीं रहे। दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली एट द एंड। लेकिन इसमें हमको कैसा हुआ, क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं मालूम। ये सारा रब्त कुरान में अहमियत रखता है। जब तक हम आगे की आयतें नहीं पढ़ेंगे, हमको नहीं मालूम कि कैसे उन्होंने वो लड़ाई में, जिसका बड़े जाम से मुतालबा किया था कि हमारे लिए जनरल मुकर्रर कर दीजिए और हम लड़ेंगे, इसलिए कि हमको घरों से, हमारे बेटों को भी घरों से निकाला गया। तो दिस इज द रिजल्ट विच वी विल कम टू नो व्हेन वी विल रीड द रिमेनिंग सिक्स आयत्स। सिक्स नहीं तो कम से कम पांच आने वाली आयत, उसमें हमको पूरी स्टोरी मालूम होगी। यहाँ पर बिल्कुल एक मुबहम सी बात है, नतीजा बता दिया गया, फ्लैशबैक नतीजा पहले आ रहा है, उसके बाद वो कैसे हुआ, क्यों नहीं लड़े, वो तफसील आगे किया है। आर यू फॉलोइंग? जी सर बिल्कुल।
सर एक बात यहाँ से पूछ लूँ सर, एक ही हम इसको भी शर्तिया और जवाब शर्त कर सकते नहीं, नहीं, कर लम्मा की वजह से और जवाब इस्तिस्ना वाला होगा। दिस इज द रिजल्ट बाबा, ये सब कुछ हुआ, ये अंजाम है इस गुफ्तगु का, इस पूरे वाकये का ये अंजाम है। ये हुआ कैसा, क्यों नहीं लड़े, वो वाकया क्या है, वी विल कम टू नो व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द कमिंग वर्सेस। रिजल्ट ये शर्त नहीं है, जवाब शर्त। ये सब होने के बाद नबी ने कह दिया शायद तुम पे अगर जायद फर्ज हो तो तुम लड़ नहीं सकोगे या लड़ने से इनकार कर। उन्होंने बड़े जाम से कहा कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। नाउ दिस हैपेंड एंड हाउ दिस हैपेंड वी विल कम टू नो व्हेन वी रीड द कमिंग वर्सेस। चलिए इसका तर्जुमा आप करिए जल्दी से। जी सर, फा जो है सर हरफे अत्फा, इसमें लम्मा जब कुतिबा फर्ज किया गया अलैहिम उन पर, अल किताल अलैहिम सर ये वो लोग जो डिमांड कर रहे थे कि आप हमारे ऊपर जो है वो एक सरदार मुकर्रर कर दें मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। जो बस अलैहिम ये वही उनके ऊपर कौम है, अब उसके बाद जहद जो उन पे फर्ज भी हो गया और उनके डिमांड के मुताबिक अल्लाह ने उनके ऊपर एक जनरल को मुकर्रर भी कर दिया। सही। तो सर ये तवल्लव सर ये इसका रिजल्ट है कि जब उनके ऊपर किताल जो है या जिहाद फर्ज कर दिया गया, तवल्लव वो सब फिर गए, फिर गए दे ऑल। हाँ वल्ला तवल्लव सर। जी सर। इल्ला सिवाय कलीलम बहुत थोड़े, मिनहुम उनमें से, उनमें से मतलब फिर गए वो, मतलब वो सब फिर गए सिवाय उनमें से बहुत थोड़े या बहुत कलील का। जिहाद ही नहीं हुआ, नहीं, एक एक टुकड़ा, एक एक लफ्ज कुरान का तदब्बुर जाता है, तदब्बुर जाता है और गौर व फिक्र। अब यहाँ पर ये नहीं कहा कि जिहाद ही नहीं हुआ, जिहाद हुआ लेकिन सब फिर गए सिवाय खली। अब मैं इन एडवांस आपको बता दूं कि अभी किसको मुकर्रर हुआ था, वो आगे की आयत में पढ़ेंगे, लेकिन सरदारों की वजह से जब तालूत को उनका मलिकन मुकर्रर किया गया तो उनकी वजह से 80,000 की फौज तैयार हुई थी। देवर 80,000 in number। उनमें से जो जिहाद किए, ये ऑथेंटिक हदीस में 113 या 110, ये वही फिग 313 या 310, ये वही तादाद है जो गज़वे बदर के वक्त सहाबा की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऑथेंटिक हदीस में फरमाया कि जितने लोग तालूत के साथ लड़े थे उनकी तादाद उतनी ही थी जितने शुरकाए बदर की थी। वो 80,000 में से पूरे कोई भी लड़ने के काबिल नहीं निकला, सब हिम्मत हार के बैठ गए, सिर्फ ये 310 आगे बढ़े या 313, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है तारीखी नंबर में, 310 का और 313 का। बहरहाल आम तौर पे 313 लिया जाता है, हदीस में 310 का जिक्र है। वाई दिस थ्री आर नॉट देयर आई डोंट नो। तो बहरहाल ये जो है ये पूरा, अब ये उसके पहले से नतीजा बता दिया गया, एंड वी विल कम टू नो हाउ दिस हैपेंड। आर यू फॉलोइंग द, एक एक कड़ी कैसे मिल रही है, सबके समझ में आ रहा है ये? जी सर बिल्कुल सही। चलिए अब उसका लास्ट टुकड़ा कोई करें दूसरा, ये तो बहुत आसान है। मैं करती हूँ सर। सलाम अलैकुम नजीबा। चलो जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अलीमुन बिज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जानता है जालिमों को। लाजिम, बिल्कुल। नहीं तो ये बाद में करेंगे, वो अत्फ है, ये खसमियानी है,
ये वल्लाहु वल्लाहु और हाँ बस ये उसके कनेक्शन है और अल्लाह बेहतर जानता है जो भी अब ये जो मुंह फेर लेंगे जहाज से वो जालिम होंगे और जालिमों को तो ये पूरे में हमको दोनों मुताबिकत मिल रही है कि वहद में 300 बीच में से निकल गए थे वो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ और 700 कुल रह गए थे 1000 में से और उस वक्त खंदक के वक्त भी कई लोग साथ छोड़ दिए थे ख़ास तौर से यहूदी जितने थे वो मुनाफिकीन थे वो साथ छोड़ दिए थे ये पूरा ये एक तरह से सहाबा की हिम्मत अफजाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले किस्सा सुनाने का मकसद ही यही है कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है ताकि सहाबा में एक हिम्मत आए जुरत आए कि जहाज से उनको पीठ नहीं बताना है या उससे नहीं आई वॉन्ट समवन टू जस्ट ब्रेक दिस होल थिंग हु कैन डू इट हमारा आर यू इन द क्लास और बिजी समवेयर सर ये इसमें जुमला है ना वल्लाहु अल्लाह ताला मुत्तला है फिर इसको पलट कहेंगे फिलहाल हम सिर्फ ये स्टोरी बिल्कुल सही है मुब्तदा है उसकी खबर है अल्लाह की अलीमुन बिज़ालिमीन जुमलिया इस्मिया मुब्तदा खबर हाँ जी सर सर वो ड्राइव कर रही हूँ इसलिए थोड़ा अच्छा बंद कर लो फिर तुम ड्राइव भी करो क्लास भी करो एक सर सारे काम करते रहो इज देयर एनीवन एल्स हु कैन डू इट यस अकबाल जल्दी इसको जल्दी करो एक मिनट में इसलिए कि मुझे दूसरी है कमर अल्लाह सुब्हान तआला आप से खिताब है और तमाम मोमिन से भी खिताब हो सकता है कि अलम तरिल मलाई बनी इसराइल में बादी मूसा कि आप जानते हैं आपको इल्म है उस बनी इसराइल के बारे में जो बाद में मूसा के बाद इसराइल के सरदारों के बारे में हाँ जी भूल गया था मैं सरदारों के बारे में जो मूसा अलैहि सलाम के बाद की बात है जब उन्होंने कहा अपने नबी से कि हमारे लिए लोम बासलाना मलिक नहीं हमारे लिए एक जनरल लड़ने के लिए दुकातुल फी सबिल अल्लाह के राह में लड़ने के लिए एक हमारे लिए सरदार या जनरल मुकर्रर कर दें तो उनके नबी ने कहा कि हल ऐसा तुम के तुम अगर कुतिब अलैकुम किताल अगर तुम पर फर्ज कर दिया गया जहाद हल ऐसे तुम अल्लाह तुकातिल राइट चलते जाओ के शायद तुम जो है वो ना लड़ो शर्त आवे शर्त चलो काल उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम लड़ेंगे लात नकतुरु फी सबिल अल्लाह की रात में ओके यकीनन हम निकालेंगे हमारे बच्चे निकाले गए हमारे घरों से फिर जब आया फर्ज हुआ अल्लाह ने किया तो फल्लमा कुतिब अलैहिम क़िताल फर्ज कर दिया जहाद तो फिर उनका अल्लाह नतीजा भी बता रहे हैं कि तवल्लो वो सब के सब फिर गए इल्ला कलीलो मिन बहुत थोड़े से जो थे 310 या 313 उन्होंने ही लड़ा और अल्लाह जो है अलीमुम बिज़ालिमीन जानता है जो जुल्म करते हैं जो फासिक है और जो बस जो भी जुल्म करता है अपने आप से एनी क्वेश्चन इन दिस आयत अब जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْخِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا خَلِيلًا مِنْ یہ کیسے ہوا جب فرض ہوا تو کیسے سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے منہ پھیر لیے پیٹ بتایا جہاد کو سوائے چند کے ان میں سے تھوڑی سی تعداد 80,000 نکلے تھے لڑنے جالو سے اس میں سے سب ناکارا نکلے سوائے 310 یا 313 Any question? Shall I move to 247? Question? 1, 2, 3. No question. Tell you. Is there anyone who want to offer reading this ayah part by part? As-salam. Well, can you do it? We are traveling. Come on. وقال لهم
لكم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. गुड. सो हम क्या करेंगे अब इसके इसके स्लैशेस लगाओ जल्दी से. ये नबीहुम तक एक तालूत मलिका तक मलिक. वेरी गुड. मिनल माल तक पूरा. कालो अन्ना यकोनो लहुल मुल्कु अलैना अल माल मिनल माल. ये एक अलैना तक भी लगा लेते हैं. वो नहनु आहकु बिल मुल्क मिनहु यहाँ तक एक लगा लेते हैं. यहाँ तक एक लगा लेते हैं. फिल इल्म वल तक एक. अल्लाह युति मुल्क मन यशा फिर अल्लाह वासिन अली. चलिए अब यहाँ पर देखिए एक नया नाम आ गया. अब तक नबी पोशीदा था. नबी हम उससे बाइबल से निकाल लिए. अक्सर सारे मुफस्सरीन जो है वही वो शमून या शमूएल या शमूएल कहते हैं. अब ये एक नया नाम आ गया. ये नाम क्या है? तालूत. तालूत. अब ये तालूत बाइबल में उसको क्या कहते हैं? इसका नाम है साउल. साउल बाइबल का नाम है. अरबी में उसको तालूत कहते हैं. अब ये साहब कौन थे? ये कोई नबी नहीं है. उन्होंने क्या फरमाइश की थी? एक मलिकन एक जनरल की. ठीक है. तो जनरल किसको मुकर्रर किया? बोलो. अच्छा व्हाट हैपेंड? तालूत को. तालूत. अब ये तालूत के बारे में हमको जानना जरूरी है थोड़ा, तो ही हमको ये समझ में आएगी तालूत कौन थे, है ना. इससे पहले वो मलाऊ ने ख्वाहिश की थी, नबी का जिक्र नहीं था, और फिर वो अपनी मुश्किल उन्होंने सुनाई थी, और फिर एक फौज तैयार करने का नबी को ख्वाहिश की थी. अब उसके बाद अल्लाह के हुक्म से नबी ने एक शख्स को जिनका नाम तालूत या साउल था उनका जनरल मुकर्रर कर दिया. अब ये जो तालूत हैं इनके बारे में मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि ये कबीले बनियामिन बनियामिन ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई का नाम था बनियामिन. बनियामिन उस कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स थे. और ये बनियामिन कबीला ऐसा था कि इसमें बहुत ही मजदूर किस्म के लोग, गरीब लोग, और दूसरे कबीलों में छोटी बड़े लोग मालदार लोग थे, लेकिन बनियामिन में जितने थे वो थोड़े कमतर समझे जाते थे, इसलिए कि आमतौर पे वो गरीब थे. अब ये बनियामिन कबीले से तालूत का शुमार होता था, और इसी कबीले से एक और
उस वक्त एक लड़के थे, तो दाऊद अलैहिस्सलाम या दाऊद थे, ये भी बनियामीन कबीले से थे। ये बहुत ही गरीब और मजदूर पेशा कबीला था। वही लिंक यहाँ पर चल रहा है कि ये कैसी कौम है कि जब उन्होंने एक बादशाह मुकर्रर करने की फरमाइश की तो अल्लाह ने, ये बाइबल में बहुत तफसील से इसका जिक्र है, कई वर्जन्स हैं, कई गैर ज़रूरी ख़स्से भी हैं कि वो तालूत को बादशाह कैसे मुकर्रर किया। वो नबी के पास अल्लाह ने कहा कोई आएगा आदमी अजनबी, वो एक आसा था, उससे उसका ख़त नाप लेना और वो उसी ख़त का होगा, कुछ और निशानियाँ बताई। तो उस वक्त तालूत उनके हुजरे में दाखिल हुए, वो समझ गए कि अल्लाह का हुक्म इन्हीं को उनका कमांडर या जनरल बनाने का है, खैर उससे हमको कोई गरज नहीं है। सीधी सी बात है कि एक गरीब कबीले के एक आदमी को जो ताकत में और फरासत में अकल में बहुत ज़्यादा थे, जिनको अल्लाह ने उस महास का, उस महीम का जनरल या सरदार मुकर्रर करने का नबी को हुक्म दिया, ठीक है। उसके बाद इनके सारे डग ढीले पड़ गए उसी के ऊपर। पहले तो इसको मानने से इनकार कर दिया कि हम तालूत को अपना सरदार नहीं मानते, ये तो बहुत ही छोटे कबीले से आए हैं और हमारे में से कई ऐसे हैं कबीले के सरदार जो बहुत माल और दौलत में इनसे बहुत आगे हैं। ये इनकी फितरत ही ऐसी थी। और यही बात तारीख इस्लाम से कैसे करस्पॉन्डेंट होती है कि वो जितने खुरैश थे वो भी यही कहते थे कि नबूवत के लिए ये दुर्रे यतीम ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे। ताइफ और मक्के में कितने सरदार हैं जो आपसे ज़्यादा दौलतमंद हैं, शोहरत रखते हैं और ताकत रखते हैं, उनको अल्लाह ने नबी क्यों नहीं बनाया? इसीलिए आपके नबूवत को मानना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हम इसको इतना टुकड़ा फिर आप यहाँ तक करो, उसके बाद वी विल गिव इट टू समवन। चलिए सिर्फ स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सी चीज़ें इसमें करना है, क्विक हम उसको भी करेंगे। आप अपने तौर पे कुछ सेंटेंसेस को देख के भी आएंगे। लेट मी कंप्लीट द स्टोरी फर्स्ट। और कहा उनके नबी ने, बस खत्म, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अल्लाह मुकर्रर करता है तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह। बादशाह से ज्यादा मैं बोला कि उसको कमांडर या जनरल का नाम लो, है ना। वो बादशाह बोला तो कन्फ्यूजन हो जाता है, नबी के होते हुए कोई बादशाह उस वक्त नहीं, जब तक अंबिया का सिलसिला था कोई बादशाह नहीं हो सकता था, ठीक है। जब उन्होंने ऐलान कर दिया अन्नल्लाह वो हैं इन्नल्लाह एखनन, ये अल्लाह का हुक्म है, नबी ने अपनी और कोई भी नबी अपनी तरफ से ये बात नहीं करते, तो उन्होंने कह दिया कि अल्लाह जो है तुम्हारे लिए मुकर्रर करता है लकुम, तुम्हारे लिए तालूत को तुम्हारा जनरल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, स्टोरी का कनेक्शन मिल रहा है जी। चलो उसके बाद यहाँ तक कौन करेगा जल्दी से? सर अब मैं आ गई। क्या हुआ, गाड़ी से उतर गए आप? उतर गए सर, अब मैं पढ़ती बिस्मिल्लाह। चलो आवाज क्यों नहीं आ रही है, सही आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, आलू अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना, वो सब बोले
वो जो थे जिन्होंने फरमाइश की थी कि हमारे लिए एक जनरल मुकरर करें, और जब उनके लिए उनके शमूइल जो थे उन्होंने मुकरर कर दिया तालूत को, तो फिर वो बोले सबके अन्ना नहीं, उन्होंने हाउ कम कैसे, उन्होंने मुकरर नहीं किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह मुकरर करता है तुम्हारे लिए, ये ज़हन में रखो, उन्होंने मुकरर नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा अन्नल्लाह कद बअस लकुम तालूत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को, तालूत को जनरल मुकरर किया है, इसके बाद फौरी मान लेना चाहिए था। अब ये बहस तकरार इनके नेचर में थी, इनके खमीर में थी, अब ये वो मलाहू हैं उसके ऊपर एतराज करें, खालू। अब उसके बाद ये पूरा क्या है, मकौला हो गया उन सब का, अन्ना ये हैरत क्वेश्चन, क्यों हाउ कम क्यों कर, अन्ना यकूनु काना के उसमें आएगा कि वो हो सकता है लहू, कैसे वो हो सकता है उसके लिए अल मुल्क यानी मिल्कियत या वो जो मुल्क जो पोजीशन है मलिकन, ये वही अल मुल्क माने उसका जनरल बनना, वही पोजीशन जो उनकी है, उसके लिए कमांडरशिप कैसे हो सकती है, नहीं ना हमारे ऊपर लाइक वो हमारे ऊपर कैसे हो सकता है जबकि वो जो थे वो ताकत में वो अपनी हैसियत में बहुत छोटे थे, क्योंकि बनियामिन कबीला बहुत ही गरीब किस्म के लोगों का था, तो उनके उसके ऊपर उन्होंने एतराज किया कि यकून लहू कैसे हो सकता है, यकून लहुल मुल्क अलैन, ये क्या बात कर रहे हैं आपके, कोई नहीं मिला आपको, इतने बड़े बड़े सरदार मालदार सब मौजूद हैं, उसमें से अल्लाह को कोई नहीं मिला, तालूत को हमारे लिए जनरल मुकर्रर कर दिया, ठीक है, तो उसको उसको हमारे लिए जनरल कैसे हो सकता है, कमांडर कैसे हो सकता है। उसके बाद उनमें से कई लोग बहुत ही मालदार थे, अपने आप को ताकतवर भी समझते थे, क्या था वो, उन्होंने उसका जिक्र किया वा कनेक्शन के साथ, क्या कहा उसी में कंटिन्यूटी में, फिर कहा वा नाहनु, जबकि हम जो हैं वो जो बड़े बड़े लोग थे, हम हक को ज्यादा हक रखते हैं, क्या बात, बिल मुल्क की इस पोजीशन के लिए, मिनहू उससे लाइक उसके कंपैरिजन में, तालूत के कंपैरिजन में हम ज्यादा इसका हक रखते हैं, जो कि पोजीशन जो उसको दी उनको दी गई वो हम ज्यादा उसका हक रखते हैं। उसमें से जो दीगर मालदार कबीलों के थे बहुत मशहूर भी थे, उन्होंने कहा कि तालूत का तो कोई मुकाम ही नहीं है, नहनु हक बिल मुल्क मिनहू, उसके मुकाबले में जनरल बनने के काबिल तो हम हैं, कमांडर बनने के काबिल तो हम हैं। और भी कर दूं थोड़ा, और एक कर लो, फलम युता साता मिनल माली वा, और अब ये वो मखौला ही चलता जा रहा है, अब एक और वा आ गया इसमें कि और युता वो दिया गया है, मजहूल हो गया, सातम यानी के सात कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, सात को लाइक सात मिनल माली यानी माल लाइक दौलत के लिहाज से उसमें इतनी सकत नहीं है, सातन क्या है, सातन जो है युता सातन जो है वो उसका मफूल हो जाएगा, मफूल को छोड़ो अभी तो, सातन क्या है उसके मायने क्या है, सात कहते हैं सर वो लाइक वसत वो हाँ लाइक उसकी हम यू तो सातन मिनल माली, जबकि नहीं दिया गया वो वसत माल में से, यानी वो गरीब है, वो गरीब है, उनके पास माल नहीं है, वो कैसे जनरल बन जाएंगे, ये उनका एतराज था, हमको हक होना चाहिए, हम जनरल बनेंगे, वो लम यूता ही इज नॉट गिवन मच प्रोविजंस, माल दौलत में उनका कोई मुकाम नहीं है, यहाँ तक किसकी बात चली,
अभी तक ये खालू वो सब लोग जिन्होंने फरमाइश की थी कि हमारे लिए बास लना मलिका बादशाहत पे, लेकिन अब फिर यहाँ से ये काला कौन है, कोई और? पर मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ चलो जल्दी। काला अब ये जो थे जिन्होंने मुकर्रर किया जो नबी थे शमून, उन्होंने फरमाया कि काला आगे से मकौला इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, बेशक अल्लाह चुना उसको अलैकुम तुम पर, अल्लाह ने चुना उसको तुम पर। वेरी गुड। अस्तफा मुस्तफा कई बार हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये चुन लेना और जो है किसी को पाकीज़ा करना, तो ये मैं थोड़े ही मुकर्रर किया, ये तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है ना, वो तो अल्लाह ने मुकर्रर किया है और तुमने ख्वाहिश की थी मुकर्रर करो, वो अल्लाह से ख्वाहिश किया, अल्लाह ने फरमाया कि है नबी तालूत को उनका जनरल मुकर्रर कर दो, है ना। उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर जिस जो मुकर्रर किए हैं तालूत को वो कौन है? अल्लाह सुभान व तआला। उसकी वजह भी बता रहे हैं, वो क्या है? वजादहु, और वो ज्यादा है, ज्यादा है उसका बस्ततन यानी के उसकी बसात यानी के कुशादगी उसकी उसकी बसात ज्यादा है। फिल इल्मी इल्म में और जिस्म में, यानी वो ज्यादा है उसका उसकी कुशादगी या उसकी बसात जिस्म में। और कई बार बसतन अब युफ्सितुर रिस्का इसमें पढ़ चुके हैं, वो कदरा इसका अपोजिट वर्ड होता है कि वो कम होना या मुख्तसर होना, तो वो दो चीजों में इल्म में और ताकत में, ठीक है। यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा था उन लोगों का, उन्होंने तालूत को माल से, इनके पास वो माल नहीं है तो क्या, तुम्हारे पास माल है, लेकिन अल्लाह ने जो उनको चुना है वो किस वजह से, उसके पास उनके पास वसत है दो चीजों हिकमत में और जिस्म में, इल्म हिकमत जिस्म, बस इल्म में और ताकत में उनके पास ज्यादती है, इसलिए अल्लाह ने उनको जनरल मुकर्रर किया है, नबी ने नहीं किया था। इसे जस्ट अभी हम सिर्फ स्टोरी को समझ रहे हैं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया और एक कंक्लूजन आ गया था कि सब फिर गए सिवाय खलील के, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो कैसे फिर गए। तो अब यहाँ पर जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नबी ने ऐलान कर दिया कि तालूत को तुम्हारे लिए जनरल, उसके ऊपर सारे मल्ला जो है नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास माल ज्यादा है, हमको मुकर्रर करना चाहिए, और उसके पास तो वसत ही नहीं है माल की। तो फिर नबी ने जवाब दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनको चुना है, उसकी वजह भी बताई है कि वसत माल में नहीं होने से कुछ नहीं होता, माल की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इल्म और जिस्म में वो तुमसे ज्यादा वसत रखता है। फिर ये कंक्लूजन इस आयत का है, वल्लाहु युती मुल्कुहु, और अल्लाह वो देता है मुल्कुहु मिल्कियत उसको, मैं यशाउ जिसे वो चाहता है, वल्लाहु वसीउन अलीम, और अल्लाह बोले हैं मुल्कुहु के माने क्या है सर, मिल्कियत या सरदारी या ये मुल्कुहु कहाँ जा रहा है, उसका उसको उसको कैसा होता है, यानी कि जिसको भी सर, यहाँ पे तो जिसको भी है ना, इसका मतलब कि अल्लाह देता है बादशाही उसकी मिल्कियत जिसे वो चाहता है, मिल्कियत तो अल्लाह सुभान व तआला की है हर चीज में, मालिक यौमिद्दीन है ना, हर चीज का मालिक तो अल्लाह सुभान व तआला है, लेकिन जिसे चाहे दुनिया में भी कोई मिल्कियत अता करता है, मुल्कुहु ये मुजाफ मुजाफ है, उसकी मिल्कियत दुनिया में आरजी तौर पे किसी को जिसको चाहता है दे देता है, इट्स नॉट फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए मिल्कियत या मलाइकत जो कहेंगे बादशाहत वो अल्लाह सुबहान तआला की है, लेकिन आरजी तौर पे
कभी ट्रम्प को देता है, कभी बाइडन को देता है, कभी किसी को देता है, मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ। चलिए, वो अपनी मिल्कियत तो देता है, हाँ, मैं यशो जिसे वो चाहता है, बस खत्म। यारजी तौर पे उसको जनरल बनाया, उसको तुमसे बड़ा बनाया, उसकी रीजन भी बता दिया कि क्यों दिया, इसलिए कि वो माल से उसको कंपेयर मत करो, इल्म और जिस्म से। और फिर उसके बाद ये आखिरी टुकड़ा, फिर यही जुमला इसमें वल्लाहु वासी, और फिर ये है ना अल्लाह वसी इल्म में, वाला क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि किसको किसको बादशाहत या मिल्कियत देना है। ये बात, फिर ये मुकालमा हुआ, उन्होंने इतराज किया तालुत पे। अब तीन नाम हो गए, एक नबी का नाम कुरान छुपाए हुए है, एक और नाम आया था, किसका आया था, तालुत का आ गया एक है, ये तो तालुत का आ गया था एक, इससे पहले के आयत में, पहले के आयत में सर नाम आया था, हाँ नाम आया था, बोलियत बोलियत जालूत, ओ जालूत का नाम है। अब ये तीसरा नाम तालुत का है, तालुत कोई नबी नहीं है, तालुत कोई नबी नहीं। सर आयत में तो नहीं आया था, आपने बताया था नाम, जालूत का नाम आयत में तो नहीं आया था, लाइक पीछे, मतलब छुपा हुआ है ना, मतलब सर सर पता नहीं छुपा हुआ है, मैं समझता हूँ जालूत का नाम, लाइक ओके ठीक है सर, कहाँ आया था, इससे पहले वाला आया था, तो ये मैं बना ना लास्ट टाइम पढ़ा था पिछले, इससे पहले के आयत में ही शायद, नो यहाँ से ही शुरू है ना, 246 जी सर, चलो हम वाशिंग में पहले आया था पिछले हफ्ते जब कर रहे थे क्लास लास्ट वेंसडे। अच्छा तो वो मैं बोला था, अभी खैर बाद में आएगा, लेकिन ये हवाला वही है कि किससे लड़ना था, वो जालूत डायनास्टी है ना। ओके यू आर राइट, चलिए 247 का कनेक्शन आपको मिल गया पूरा, उनके ख्वाहिश पे स्टोरी समझ में आ गई यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए 248, अब उनको वो ऐसे खरमगस थे कि उनके लिए अल्लाह सुबहानहु ताला भी बड़े मेहरबान उनके ऊपर है ना, तो एक निशानी भी बता दिए नबी ने, चलिए एनीवन हु कैन डू इट, बहुत से लोग यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम इट। What happened to you? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर मैं कह रही थी कोई रीडिंग कर ले तो फिर आगे मैं उसको आगे पढ़ ठीक है। रीडिंग नहीं आती आपको? नहीं सर थोड़ी सी पढ़ी है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وقال لهم نبيهم إن إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون هارون تحمله الملائكة ملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين। वेरी गुड, चलिए अब यहाँ पर जी मैं मुश्किल वक्त वर्ड्स पहले स्लैश लगा लेते हैं, खाला लहुम जी सर यहाँ तक आएगा, नबीहुम तक आएगा, फिर उसके बाद आएगा यहाँ तक के यहाँ तक यातिकुम ताबूत मुल्क ही इन्ना है अतल मुल्क ही तक एक लगा लेते हैं। जी फिर उसके बाद लेकिन मुताबूतु
उसका यहाँ तक आ जाएगा ताबूत, तो फिर उसका फी सकीना तो फी सकीना तो मैं रब्बिकुम रब्बिकुम एक, फिर यहाँ से बखियतम में मा तरह का हाल मूसा व आलो हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्ना फी ज़ालिका लायातिल लकुम इन कुंतुम मोमिन। चलिए अब यहाँ पर कोई मुश्किल वर्ड इसमें तो नहीं होगा, मैंने समझता कोई किसी को है कोई मुश्किल वर्ड है आपके लिए है सर? यहाँ पे ये है तहमिलुहु तहम उसमें था तहमल करना या बर्दाश्त करना, तो अब इसमें ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हमाला जी उठाना। हाँ फिर हमाला उठा वो उठाया उसी से तहमिलुहु मुअन्नस की गर्दान हु उसको सही। और तो कुछ चलिए अभी खाला ये कौन है ये खाला कौन है? और उन लोगों को जो उनके नबी ने कहा जो ये खाला कौन है पूछा वो शबून शबून ने यहाँ है ना उनके नबी नबी उसका तो उनके नबी वो कौन थे वो सब मालूम है आपको स्टोरी में। अब उनके नबी जवाब दिए क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक निशानी भी मुकर्रर कर दी है के तालूत को जो जनरल बनाया है उसके लिए वो निशानी ये थी। उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये कुछ उनके ऊपर वो फिलिस्तीनियों पे जो यहाँ से वो जो उनका ताबूत था वो जो वो अपना उठा के लेके गए थे तो उनके ऊपर कुछ मुसीबतें भी आ रही थी अल्लाह के तरफ से कुछ खैर भी आ रहा था तो उन वो आपस में मशवरा ये करे कि ये ताबूत की वजह से हमारे पास रहने से वो मुसीबतें आ रही हैं तो उसको एक किसी जगह पे या किसी गाड़ी में रख के उसको छोड़ दिए कि इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए मुल्क से। अब वो अल्लाह सुबान होता अल्लाह ने मलाइका को मुकर्रर किया कि वो ताबूत को उठा के तालूत के पास लेके आए यानी तालूत के पास वो ताबूत आ गया जिसमें वो जो तौरात के तख्तियाँ थीं जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के कुछ कपड़े थे जिसको बनी इसराइल बड़ा मुतबर्रिक समझते थे तो वो उनके पास आ गए तो उनके अब उनको यकीन हो गया कि अल्लाह ने ही उनको तालूत को उनका जनरल मुकर्रर किया है तो एक निशानी बता दी नबी ने कि देखो उनके जनरल अल्लाह ने जो बनाया है उसकी निशानी यह है कि वो जो ताबूत तुमसे चला गया था जो उठा के लेके गए थे मलाइका उसे तालूत के पास पहुंचा देंगे दैट इज़ द स्टोरी तब जाके वो माने वरना तालूत की जो सरदारी थी या उसके जनरलशिप को मानने वाले नहीं थे। नबी ने एक निशानी बता दी खाला लहुम नबी हम इन्ना आयातल मुल्की है ना आयातल मुल्की ही इन्ना का जुमला आयातल मुल्की ही ये जो है मुल्क में उसकी बादशाहत की निशानी ये है क्या है याति को मुताबूत तुम्हारे पास वो आएगा तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा है ना वो ताबूत क्या है उसके उसके अंदर क्या होगा उसमें सकीनतुन सकीन यानी के सकून तस्कीन का तुम्हारे रब की तरफ से तुमको सुकून मिलेगा वो ताबूत जिसे तुम बहुत लाइक करते हो तुम्हारे पास ताबूत के हवाले से ताबूत के पास अल्लाह सुबहान तआला दे के भेजाएंगे। वो ताबूत में क्या था बकिया और बकिया यानी के बाकी बची हुई में जो कुछ तरह का जो कुछ छोड़ा आल मूसा की आल ने और हारून की आल ने
जो कुछ उसमें छोड़ा था उस ताबूत में था, वो ताबूत समझते हैं कि अभी भी वहाँ पर बैतुल मक़दस में दफन है या वहाँ पर है। बहरहाल वो लेके वो तुम्हारे पास तालूत की वजह से आ जाएगा। When they saw this sign, जो तालूत, जब तालूत के पास वो ताबूत आ गया, ताबूत कह रहा हूँ मैं, तालूत, तालूत के पास ताबूत आ गया, तो तब उनको यकीन हुआ कि अल्लाह ने ही तालूत को उनका जनरल मुकर्रर किया गया है। और फिर तहमिलुहू, हू की ज़मीर किधर जा रही है? उस ताबूत के ऊपर, कि वो तहमिलू उठाएंगे उसे, क्या उसे उठाए हुए होंगे, कौन उठाएंगे? मलाइका, फरिश्ते उठा, उसको उठा के किसके पास लाएंगे? उस बादशाह के पास। उनका भी नहीं था, क्या नाम था उसका? यहाँ पे आए तालूत के पास, हाँ तालूत के पास, बस ये निशानी है ना। और ये तुम्हारे लिए क्या है? इन्ना फिजा लिखा लाया तुल्लुक, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, तुम्हारे लिए निशानी है कि तुम हो, तुम अगर तुम ईमान लाने वाले हो, ईमान लाने वाले अगर हो तुम, अगर वाकई में बनी इसराइल हो तुम, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने एक निशानी भी बता दी है कि वो ताबूत तुम्हारे पास आ जाएगा, मलाइका उसे उठा के लाएंगे। और जब ये सब कुरान नहीं बताता, लेकिन जब वो आ गया तो उनको यकीन हो गया कि वो अल्लाह ने ही तालूत को मुकर्रर किया है उनके लिए जनरल। दिस कनेक्शन, आर यू एबल टू फाइंड आउट द कनेक्शन? पहले तो उन्होंने एतराज़ किया जब एक निशानी उनको बता दी गई और ये ताबूत उनके पास आ गया, तो उन्होंने तालूत को अपना जनरल तस्लीम कर लिया, वरना तस्लीम करने वाले नहीं थे। एक आध मिनट और लगेगा, मैं सुन कितना है, 49:50-51 तक मुश्किल है, नहीं होता, ठीक है। मैं वेंसडे ये पूरी स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे, अगेन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ से ये तीन और आयतें रह गई हैं, 52 तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत है, इन्नका लमिनल मुरसलीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म होगा, एक आध क्लास और लगेगी, आपको पूरी स्टोरी मालूम होगी, देन ईच वर्ड हम फिर एक बार समझने की कोशिश करेंगे, और मगर वो काम तेज़ी से हो सकता है इंशाल्लाह। सो वी हैव कम्प्लीटेड 2:48, 49, 50, 51, तीन में स्टोरी कम्प्लीट हो जाएगी, 52 इस पारे की आखिरी आयत है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुबहानहु तआला ने वाकया बताया, उसके बारे में कहा जा रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ठीक है। Are you okay? Is the story clear up to this point? Yes, sir. Inshallah. Next. Inshallah. Chalo, Iqbal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکمہ، اے اللہ پاک تو قبول کر دے جو پڑھا سمجھا، جہاں بھی غلطیاں ہو گئی پڑھنے پڑھانے میں تو اس کو تذکر فرما، معاف فرما، اپنا رحم کرم فرما، سب شرکا کے لیے اللہ پاک تو آسان کر دے قرآن کو، صحیح ہمیں فہم عطا فرما، سمجھ دے، عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں کو صحیح تک پہنچانے کی توفیق دے، جو پریشان ہے، بیمار ہے، مشکلات میں، ان کی مشکلات کو دور فرما، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، بیماری کا خاتمہ فرما، سب کے لیے آسانیاں فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ 6:55 is the joining time، class time is
7 o'clock exact inshallah. What happened? Okay, love.